उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट ने मुरादाबाद मंडल की जिम्मेदारी रविदत्त शर्मा को दी है, जिसके बाद रविदत्त शर्मा का ये कहना है कि मैं अब पूरे क्षेत्र के शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करने के साथ साथ रूठों को मनाने के लिए काम किया जाएगा। एकमात्र संगठन हमारा ऐसा है जो शिक्षकों को आगे लेकर चलता है और उनकी समस्याओं का समाधान भी करता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट ने रविदत्त शर्मा को मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, जिसके बाद शिक्षकों को जोड़ने के लिए अब मंडल अध्यक्ष काम कर रहे हैं। सिटी चैनल से बात करते हुए रविदत्त शर्मा ने कहा कि रूठे हुए शिक्षकों को मनाने के साथ और संगठन को मजबूत करने के लिए काम किया जा रहा है। MLC चुनाव में हार के बाद कई शिक्षक हमसे रूठे हुए हैं, ऐसे में सभी शिक्षकों को एक ही मंच पर लाने के लिए काम किया जाएगा। शिक्षकों की आवाज सिर्फ शिक्षक संगठन ही उठा सकता है। मुझे 12 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट की जिम्मेदारी माननीय ओम प्रकाश शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके द्वारा मुझे प्राप्त हुई। मंडल की जिम्मेदारी आपको मिल चुकी है, क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी? मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि हमारे संगठन में से कुछ लोग निकाल दिए गए, उनकी वो जो निकाले गए तो वो जगह जगह जाकर के हमारे ही संगठन की उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के नाम से ही लोगों को बरगला रहे हैं और कह रहे हैं कि ये रिटायरमेंट वालों का संगठन है, जबकि हमारे पिता भी रिटायर हुए और लोग रिटायर हुए, हम भी कभी ना कभी रिटायर होंगे। तो शिक्षकों में कहीं भी ये द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए कि हम कार्यरत हैं और ये संगठन रिटायरमेंट वालों का है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं कार्यरत हूँ, मेरे जिला अध्यक्ष बने हैं श्री धर्मेंद्र वंश, वो कार्यरत हैं मुरादाबाद के, डॉक्टर राजीव पाठक चित्रगुप्त इंटर कॉलेज के हैं, वो जिला मंत्री बने हैं। इसी तरीके से पूरे मंडल में जो जिम्मेदारी निर्वहन की है, इसी तत्वाधान में हम चूंकि 1987 से इस संगठन के मेंबर हैं, पहले में आपको ध्यान होगा अभी सन 12 से लेकर 14 तक मुझ पर जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी रही। एकमात्र संगठन है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट। हमारे 2 MLC इस समय विधान परिषद में चुनाव जीत के आए हैं, एक ध्रुव कुमार त्रिपाठी गोरखपुर मंडल से और दूसरे इलाहाबाद झांसी मंडल से मौजूदा हमारे विधायक हैं। हम प्रत्येक जिले में मेरा भ्रमण है, भ्रमण सुनिश्चित कर दिया, हम हर इकाई तक पहुंच रहे हैं, हमसे कोई व्यक्ति नाराज नहीं है। ये अभी जो चुनाव हुआ है आपने देखा होगा दिसंबर में, ये चुनाव में जो पराजय हुई है और जो शिक्षक बिखरा है उस बिखराव को हमें इकट्ठा करना है। हम पुनः उनके पास जाएंगे, विनम्रता पूर्वक उनसे आग्रह है कि संघ एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है और माननीय ओम प्रकाश शर्मा इतनी तो लोगों की उम्र भी नहीं है, 48 वर्ष लगातार विधान परिषद में जो बोलते रहे हमारे उत्तर प्रदेश संघ माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रदेश के वही हैं, उनके दिशा निर्देश में सारे शिक्षक कार्य करते हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो आपके अनुसार रूठे हुए हमारे शिक्षक साथी हैं उनको मनाया जाएगा। उन्हें मनाया जाएगा, उनके घर जाया जाएगा, जो भी अगर उन्हें गलती महसूस हो रही है संगठन के द्वारा तो उस गलती को भी हम दूर करने का प्रयास करेंगे।